मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पूरे प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में देवास में भी प्रशासन शक्ति से कार्रवाई भी कर रहा है। आज देवास प्रशासन ने इंडस्ट्रियल एरिया में स्टेट एग्रो फास्ट कंपनी पर छापामार कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग, प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने पेस्टी खाद बनाने वाली कंपनी एग्रो फास्ट कंपनी पर जाकर जांच की है, तो वहां पर नकली और मिलावटी खाद की आशंका हुई। वही मौके पर प्रशासन ने जांच के सैंपल भी लिए हैं। मिलावट खाद की आशंका को देखते हुए कंपनी को फिलहाल सील कर दिया गया है। वहीं खाद में रेत व डस्ट और सीमेंट मिलने का भी मामला सामने आया है। इतना ही नहीं बल्कि एग्रो फास्ट कंपनी में पॉल्यूशन को रोकने की भी व्यापक इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से वहां पर प्रदूषण फैल रहा था। सिंगल सुपर फॉस्फेट बन गया जी। इनको कुछ शिकायत मिली थी, लेकिन इन्होंने यहाँ देखा, यहाँ पे भी इनको कुछ मिला नहीं, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सैंपल लिए मटेरियल जांच के लिए और लैब में भेज रहे हैं बस। जी अभी उनको कुछ प्राथमिक कुछ जांच हो या उनके वहाँ पे शिकायत मिली थी, इस वजह से फैक्ट्री को सील करके जा रहे हैं। बाकी मटेरियल तो वो वही जाने, हम तो यहाँ मना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला है। मैंने कुछ नहीं दिलवाया। मैं कुछ एरिया में हम लोग हैं, एग्रोफास्ट कंपनी है, ये लोग खाद बनाते हैं। इसकी खाद पिछले दो तीन दिन से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे खाद में मिश्रण किया जा रहा है, और ये लोग इसमें रेत, सीमेंट और इस प्रकार के और अर्दन मटेरियल जो होते हैं, मिट्टी वगैरह मिलाते हैं। क्योंकि वो नेकेड आय से आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आता है, पर जब खाद की जो बोरी होती है उसमें कहीं ना कहीं वो काफ़ी क्वान्टिटी में दिखा है। हमने इसमें हमारी कृषि विभाग, रेवेन्यू टीम और पुलिस ने अभी पूरी इसका ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन किया, पंचनामा बना के इसको सील किया हुआ है। सील करने का रीज़न ये है कि एक तो मिलावट है, इसके लिए सैंपलिंग करके इसको उसके पूरी सैंपल्स लेके इसको भेजा जा रहा है, इसकी जांच की जाएगी, तब तक इसको बंद रखा जाएगा। और कुछ तथ्य सामने आए, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल किसी प्रकार का नहीं है। जब हम यहाँ पे आए हैं तो आप देख सकते हैं कि आने इस इंडस्ट्री के करीब 200-300 मीटर की परिधि में समस्त एरिया में पूरा का पूरा ये उनका जो रॉक फॉस्फेट और उनका जो पूरा केमिकल पूरा जो है उड़ रहा है। और दुखद चीज़ मालूम देखने में आई कि इस कैंपस में जहाँ मैं पिछले आधे घंटे से खड़ा हूँ और पूरे मेरी आँखों में इरिटेशन हो रहा है, चेहरे पे हो रहा है और अंदर तक जा चुका है ब्रीदिंग में, और यहाँ पे पीछे बैक साइड में करीब 40 से 50 वर्कर्स इनके यहीं रहते हैं। बहुत ही इनसेंसिटिव है इनके जो इनके जो संचालक हैं उनके लिए कि इस प्रकार से ये लोग इनको यहाँ पे रखे हुए हैं लेबर को, क्योंकि लेबर को भी पता नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी हैजार्डस है। तो आज की एक्टिविटी में यही है कि बस इनको हमने पूरा सैंपलिंग भेज दिया है, और जो भी पॉल्यूशन के नॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चर के जो नॉर्म्स हैं जी, उनके उसके उसके रिजल्ट आने, प्रशासनिक प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है जी। तो वैसे तो लग ही रहा है, आँखों से दिख रहा है कि इसमें मिलावट है जी। और रिजल्ट आने के पश्चात है ना, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, चाहे इस प्रकार के किसानों की उर्वरक खाद से संबंधित कोई इंडस्ट्री हो, हमें हमारे जिला प्रशासन में हमारे जिलाधीश महोदय को कोई प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो हम तुरंत संज्ञान लेते हैं और ऐसी कार्रवाई करते हैं। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।